एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। और आज हम शेयर करने जा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी के तीन फेस पैक्स। ये मैं पार्ट टू पार्ट बनाऊंगी। वन पार्ट ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं आपको और तीन बताऊंगी और थर्ड पार्ट में मैं आपको और तीन बताऊंगी। तो सेकंड पार्ट इस वीडियो के बाद जल्द ही आ जाएगा। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फेस पैक। ये फर्स्ट फेस पैक है ग्लोइंग स्किन के लिए। तो ये मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें मुल्तानी मिट्टी डालेंगे क्योंकि ये फेस पैक मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड है। तो जस्ट 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग और फेयर बनाता है। स्किन में से दाग धब्बों को हटाता है, पिंपल्स को हटाता है और स्किन को यंगर लुकिंग बनाता है। स्किन में से रिंकल्स को दूर करता है और स्किन में से डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है। तो ये हम दो इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए होंगे, ये मुल्तानी मिट्टी और ये ऐड कर दिया दही। दही नहीं है तो मलाई भी चलेगा। मलाई जो है वो मलाई आप ऐड कर सकते हो तब जबकि आपकी ड्राई स्किन है, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है देन मलाई नहीं, दूध भी ऐड कर सकते हो यार। तो अब बस मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। इसमें मुझे दही का अगर पानी लगा तो मैं ऐड करूँगी, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ। द रीज़न इज़ कि मेरे पास काफ़ी सारे चीज़ें बनाने के लिए है, तो इसी वजह से मैं इसे बहुत कम बनाऊँगी। तो मैं सारी चीज़ें एक ही साथ बनाऊँगी मगर बारी बारी पार्ट टू पार्ट अपलोड करूँगी ताकि ये थोड़ा क्लियर रहे आपसे। वरना फिर अगर एक ही वीडियो में मैं आपसे 9 फेस पैक डिस्कस कर लूँगी देन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी ये जो है इसका पैक बनकर रेडी हो गया है। इसे अपने फेस पे अप्लाई करें, 5 से 10 मिनट के लिए वेट करें और नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप टोनर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने से बोल गलती से गिरा स्पून के वेट की वजह से। तो मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ है और एकदम मास्क है। ये क्ले मास्क है क्योंकि इसमें हमने मुल्तानी मिट्टी डाला है, मुल्तानी मिट्टी इज़ अ क्ले, तो क्ले मास्क है ये। दूर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम प्लेन। और इसका फेस पे ज़्यादा मोटा लेयर नहीं अप्लाई करना, हल्का पतला ही अप्लाई करना है। आप देख सकते हो मैंने हाथ पे जैसे अप्लाई करा हुआ है वैसे ही। तो बस यार ये हो गया। अभी सेकंड फेस पैक है एक्ने और पिंपल्स के लिए। तो ये बोल में हम ऐड करेंगे। रुको पहले ये बोल लेना है। ये मैं इसे भी बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी। तो ये मैंने बोल लिया, इसमें मुल्तानी मिट्टी डालेंगे। मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बनाना है। मैं काफ़ी सारे फेस पैक्स एक साथ बना रही हूँ बता रही हूँ जो भी कर रही हूँ, इसी वजह से मैं ज़्यादा एक्सेसिव नहीं बनाऊँगी। तो ये मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी मैंने थोड़ा सा ही लिया। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली दे लेना, क्योंकि आपको अगर पूरे फेस पे या फिर नेक पे अप्लाई करना है तो आपको रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अब ये टमाटर, तो ये टमाटर का मैंने प्यूरी बना दिया पेस्ट तरीके का। वैसे आप इससे जूस भी ले सकते हो लेकिन मुझे टमाटर का पेस्ट पसंद है। जूस भी अच्छा ही रहेगा, दोनों के बेनिफिट सेम ही रहेंगे। तो ये मैंने डाल दिया। तो ये ज़्यादा दरदरा है, ज़्यादा इसमें वो प्लेन नहीं है ये जूस की तरह। तो अगर आप चाहो तो एकदम प्लेन के लिए आप जूस निकाल सकते हो। अभी ये सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर ये भी इजीली मिलता है। अगर मुझे ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मिला देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ये आसानी से मिलता है, सो ये मार्केट में भी मिल जाएगा अगर आपको ऑनलाइन नहीं ख़रीदना तो। तो ये मिक्स करते हैं और मैं भी बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, द रीज़न इज आपको पता है। तो ये बस मेरा बन गया। ऐसे इसमें ऐसे टमाटर दिख रहे ऊपर से, तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए देन आप इसका जूस ऐड करना, लेकिन मुझे टाइम ऐसा ही पसंद है क्योंकि इससे एप्लीकेशन आसान हो जाते हैं ना। तो बस ये हो गया डन। तो
इसका भी अगर मैं आपको बताऊंगी तो अगर आपके फेस में एक्ने और पिंपल्स है तो इसे ये बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। आपकी स्किन में अगर मॉइस्चर की कमी है, मतलब आपकी स्किन अगर ड्राई है तो उसको ये मॉइस्चराइज करेगा, और अगर ऑयली है तो उसमें से एक्सेसिव ऑयल इन शॉर्ट सीबम को रिड्यूस करेगा। तो फेस पे अप्लाई करें, और फेस पे अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वेट करें और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट फेस पैक। ये फेस पैक मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी क्योंकि मैं आपको बता कर नहीं बता सकती। पहला रोज़ वाटर लगेगा और दूसरा मुल्तानी मिट्टी ले लेना। तो ये रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून इनफ है, ले लेना, और इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है, बस जस्ट हो गया सिंपल। तो ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। लाइक हर रोज़ अगर आपको पैक लगाना है, आपको स्किन को क्लियर सॉफ्ट स्मूथ बनाना है, देन ये आपके लिए है। एकदम सिंपल दो इंग्रेडिएंट अप्लाई करें, 5 से 10 मिनट वेट करें, रिमूव करें, टोनर मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।